सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जय दिल्ली स्पॉट राउंड। सो बेसिकली उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या शेड्यूल है, किस डेट को हमें जाना है, क्या होगा आगे का, आप डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, फी कब पे करनी है, फी स्ट्रक्चर के सारी चीजें इन डिटेल बताने वाला हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अभी से लाइक सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के शुरू करें। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सतीश देवा, फर्स्ट ईयर आईटी स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर डेल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी D2। तो बेसिकली स्पॉट राउंड में होता क्या वो बताता हूँ, और स्पॉट राउंड होता क्यों है वो भी बता देता हूँ। तो बेसिकली फोर्थ राउंड के बाद हमारे को लास्ट विड्रॉ करने का ऑप्शन आता है सीएक दिल्ली में, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट विड्रॉ कर लेते हैं और उस वजह से सीट वैकेंसीज हो जाती है। और राउंड फाइव में जिसको जो बेस्ट सीट मिल सकती है वो मिल जाएगी, अगर तब भी कुछ वैकेंसी रह जाती है तो इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड में फिल हो जाती है। तो इतने सारे राउंड होने के बाद आपकी जो टॉप की ब्रांचेस होती है वो सारी फिल हो जाती है, जितनी भी उनमें सीट्स होती है वो सारी फिल हो जाती है। तो आपको वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली जैक दिल्ली में। अब आपको कौन कौन सी सीट वैकेंसीज रहती है, किस किस सीट में आपको मिलने के चांसेस है, सो सीट वैकेंसीज का एक शेड्यूल आ जाएगा पूरा, वो मैं बताने वाला हूँ कब क्या होने वाला है वो सारा बताऊंगा। बट वो सीट वैकेंसीज का शेड्यूल आता है, उसमें बेसिकली बायोटेक होती है, इन्वायरमेंटल होती है, इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच टाइप की हो सकती है। तो ये सारी लोअर ब्रांचेज होती है, कभी भी हायर ब्रांचेज EE जो आपकी इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, CS IT, ये बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी स्पॉट राउंड में। तो अगर आप उसके लिए आ रहे हो तो बिल्कुल भी मत आना, ये पहले से ही मान के चलना कि आपको लोअर ब्रांचेस ही देखने को मिलेगी, चाहे DTO NSUTO कोई भी कॉलेज हो जैक दिल्ली का, ठीक है। सो अब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये एक स्पॉट राउंड जो है वो ऑफलाइन राउंड है, इसमें आपको ऑफलाइन जाके प्रेजेंट होना पड़ता है और आपको बेसिकली ऑनलाइन नहीं चलता ये। तो आपको ये कब कहाँ और कब जाना है वो बता देता हूँ। ये आपका स्पॉट राउंड होगा 29 जुलाई से 1 अगस्त तक, वो कैटेगरी वाइज है कि आपको कब कब बुला रहे हैं वो चीज़ वो बताने वाला हूँ। सो आपको 29 जुलाई से 1 अगस्त जो भी आपका डेट बताऊंगा उसी डेट को जाना है, कोई 5 दिन में से किसी भी एक दिन नहीं जा सकते, जो डेट मैं आपको बताने वाला हूँ उसी दिन जाना है। कि आपको कहाँ जाना है, BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम है DTU में, DTU आप सर्च कर सकते हो गूगल मैप्स पे, आपको मिल जाएगा। तो आप अगर बाहर से आ रहे हो तो अपना प्लान कर लो, अपनी ट्रेन बुकिंग वगैरह कर लेना उस हिसाब से, या जो भी फ्लाइट बुकिंग जो भी आपको करनी है उस हिसाब से बुकिंग कर लेना। और आपको प्रेजेंट होना है जो भी डेट मैं आपको बताऊं BR ऑडिटोरियम इन DTU, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा इन स्पॉट राउंड से। सो बेसिकली जैक दिल्ली के वही 5 कॉलेज DTU, NCUT, IIIT दिल्ली, DSU और IGDTUW, आपको इन 5 कॉलेज में इस स्पॉट राउंड से सीट मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी कॉलेज में चाहिए सीट तो आपको DTU ही आना पड़ेगा, आपको BR ऑडी में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपको NSUT की सीट चाहिए तो NSUT में चलेगा, नहीं, आपको DTU में ही मिलेगी NSUT की सीट ही, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, एक ही जगह पर सारी सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, समझे। सो आपको यहीं पर आके रिपोर्ट करना है। अब ये बताते हैं कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपने 1500 रुपये फी पे करा है, बेसिकली जैक दिल्ली के लिए रजिस्टर करा है, पर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अभी तक एडमिशन आपने नहीं लिया, इन 5 इंस्टीट्यूट में से एडमिशन नहीं लिया किसी में, सो आप एलिजिबल हो। अगर आपने रजिस्टर हु हैव अलॉटेड सीट इन एनी काउंसलिंग, बेसिकली आपको सीट तो मिली थी पर आपने रिपोर्ट ही नहीं करा, फिजिकल रिपोर्टिंग जो करनी थी वो नहीं करी, तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी थी, तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको सीट मिल चुकी थी किसी भी राउंड में पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए किसी कारणवश, कोई भी डेफिशिएंसी आ गई, आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए, तब भी आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने सीट विड्रॉ कर दी थी तब भी आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल। तो बेसिकली अगर आप इन किसी भी सिचुएशन में हो तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ऑलरेडी सीट लेके बैठे हो अभी तक राउंड 5 तक आपको कोई ना कोई सीट मिली है तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा था, बेसिकली 1500 रुपीज पे नहीं करे थे जैक दिल्ली के, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो रही है जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड के लिए, समझे। यहाँ पर स्पेशली लिखा है इस बारे में कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड फॉर जैक दिल्ली स्पॉट राउंड। सो उस बात का ध्यान रखना कि अगर आपने कोई भी फी 1500 रुपये अगर दिए हुए थे तभी आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप अब रजिस्टर नहीं कर सकते, आपको किसी और काउंसलिंग के स्पॉट राउंड या बाकी सारी चीज़ें में जाना पड़ेगा, जैसे CSAB है 31 से उसकी हो रही है तो उसमें चले जाना, बाकी IPU की काउंसलिंग के स्पॉट राउंड आएगा उसमें चले जाना। तो बेसिकली आपको और बाकी कॉलेज के स्पॉट राउंड में जाना पड़ेगा, जैक दिल्ली में आप नहीं जा पाओगे अगर आपने 1500 रुपीज स्टार्टिंग में ही पे नहीं किए थे तो, ठीक है। सो अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको वैकेंसीज आपको जैक दिल्ली की वेबसाइट पे ही मिलेगी कि कौन कौन सी सीट्स वैकेंट है, ताकि अगर आपको उन सीट्स में कोई सीट चाहिए हो तब जाके आप किसी के वहाँ पर अपनी स्पॉट राउंड में जाके ऑफलाइन जाके आप अपनी सीट ले सकते हो, ठीक है। सो उसकी जो वैकेंसीज लिस्ट आएगी वो जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी, 26 जुलाई 8 PM के बाद आएगी, और
ये बाकी सारे कैटेगरीज होते हैं इसमें। अगर आपको ये नहीं पता तो ये बता दूं कि इसमें सारे कोटा चलते हैं, EWS, OBC, SC, ST सारे कोटा इसमें वैलिड है। तो उस हिसाब से भी होता है कि अगर आपके कोई कोटा है तो आपको उस कैटेगरी वाले दिन जाना है और उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। और जनरल वालों के लिए एक अलग से लिस्ट बनेगी जो कि होगी 30 जुलाई को 8 PM के बाद वो लिस्ट आएगी। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको SC ST वाले जो मान लो सीट्स हैं, मान लो 10 सीट्स हैं, जो सीट मांगने आए स्पॉट राउंड में, वो 80 स्टूडेंट्स आए, तब भी 2 सीट तो रह गई। अब वो 2 सीट का क्या करेंगे, वो जनरल को दे दी जाएगी, समझे। तो बेसिकली सीट कन्वर्जन रूल होता है वो, अगर आपको इन डिटेल सीट कन्वर्जन रूल जानना है तो मेरी जो ऑफिशियल ब्रोशर वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो, वो जाके देखो, उसमें मैंने इन डिटेल बताया हुआ। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप वो जाके देख लो ताकि आपको पता चले सीट कन्वर्जन रूल होता क्या और ये आपको सीट जनरल वालों को क्यों दी जाती है और कब दी जाती है, ठीक है। सो जो भी फाइनल लिस्ट होती है जनरल वालों की वो 30 को आएगी, जो SC ST बाकी सारे कैटेगरी की होगी वो 26 जुलाई को आएगी, ठीक है। तो अब आगे के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़, या तो कैंडिडेट को होना जरूरी है या फिर कैंडिडेट के किसी रिप्रेजेंटेटिव यानी आपके बदले कोई और भी आ सकता है, पर उनको वो सारी चीज़ें लानी होगी, लाइक डॉक्यूमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, जो भी वो सारी चीज़ें वो उनको लानी होगी आपके बदले, अगर आपकी सीट वो क्लेम करना चाहते हैं तो, ठीक है। और थर्ड चीज़, क्या आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो बताने वाला हूँ और डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट में कमी कर दी, यानी कुछ चीज़ें नहीं लेके गए या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत निकला या मिस हुआ, सो आपको सीट नहीं मिलेगी, आप एक रजिस्ट्रेशन वहीं पर कैंसिल। अगर आपने फी उस समय पे नहीं करी, डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पर नहीं दे पाए जब वो मांगेंगे उसी समय, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। आपको कुछ भी टाइम स्लॉट नहीं दिया जाएगा कि हाँ इतना टाइम आपके पास है, आप जाके मुझे और चीज़ दे आओ या फिर कुछ कराओ, नहीं, उसे एट ए टाइम होता है। और ये बहुत ज़्यादा पंचुअलिटी होती है कि आपको उसी समय ही देना पड़ता है, नहीं तो सीट कैंसिल हो जाएगी, बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट अभी से बनवा के रख लो, आपको जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो अभी से ही संभाल के रख लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वो बता देता हूँ। जैक दिल्ली के कैंडिडेट प्रोफाइल का आपको प्रिंट आउट चाहिए। अगर आपको कैंडिडेट प्रोफाइल नहीं मिल रही तो बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लेना अपने जैक दिल्ली के पोर्टल का, जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी हो वो वाली चीज़, तो उसको प्रिंट करवा लेना। 24 जुलाई के बाद का प्रिंट होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपको क्लास 10th की मार्कशीट लेके जानी है, और ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको ओरिजिनल भी ले जानी है और 2 फोटोकॉपी ले जाना, एक लिखी हुई है बट 2 फोटोकॉपी ले जाओगे, एक्स्ट्रा चीज़ ले जाओगे, कुछ ख़राब नहीं होगा। एक मान लो मिस हैंडल हो गई, कहीं पर घूम गई, कुछ फट फुट गई, फायदा नहीं होगा, इसलिए अभी से 2-3 फोटोकॉपी उसकी रख लेना सारी चीज़ों की। सो आपको जैक दिल्ली का कैंडिडेट प्रोफाइल चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए जो आपका है, साथ में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ है। आपको नहीं पता तो इस वीडियो में जाओ, उसमें मैंने बताई हुई है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो वो अभी से बनवा के रख लो अभी तक नहीं बनवाया है तो, ठीक है। अब आपको जो लास्ट चीज़ ले जानी है वो है डिमांड ड्राफ्ट, जो कि 95,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसके नाम पे बनवाना है, जैक दिल्ली के नाम पे बनवाना है, विच इज़ पेबल एट SBI दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बवाना रोड। तो बेसिकली SBI जो DTU में है उसको पेबल होना चाहिए, ठीक है। सो और कोई मोड एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कैश UPI कुछ भी नहीं चलेगा, कार्ड भी नहीं चलेगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट ही लेके जाना है और अभी से बनवा के रख लो। और इसमें ये बताया हुआ है कि जो IIIT दिल्ली की जो सीट है, जो भी अभी वैकेंसीज है, वो स्पॉट राउंड जो भरेगा वो बेसिकली IIIT दिल्ली की रैंक, जो IIIT D रैंक होती है उसके बेसिस पे भरा जाएगा, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का या फी पे करने का, आपको उसी समय उनको देना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। सो ये चीज़ समझ आ चुकी है। इसमें अगला वही लिखा है कि सीट कन्वर्जन अगर हो सकता है तो हो जाएगा, जो कि मैंने बता दिया कि उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अब शेड्यूल के बारे में आ जाते हैं, क्या शेड्यूल है। सो 26 जुलाई को आपको अपग्रेडेशन होगी 2 बजे के बाद, फिर 26 जुलाई को 8 बजे के बाद आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज मिल जाएगी बाकी सारी कैटेगरीज की, जनरल के भी मेरे ख्याल से आ जाती हैं, बट फाइनल जनरल की बाद में आएगी 30 को ही, ठीक है। अब ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग, ये बेसिकली उनके लिए जिनको अभी तक कोई सीट मिल चुकी है, अगर वो फ्रीज करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे फ्रीज फ्लोट कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि अभी भी इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के बाद कुछ स्पॉट में किसी भी वजह से आपकी जो पहले वाले जो स्टूडेंट्स हो उनकी सीट अपग्रेड होती हो, ऐसा नहीं होता। सो चाहे फ्रीज करो फ्लोट करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर इन्होंने ये लिखा कि 27 तक अगर फ्रीज करना चाहते तो कर सकते हो, जस्ट फॉर्मेलिटी है, आपको मैंने जो था बता ही दिया वो। और इसके बाद आपका जो अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आपको 29 जुलाई को आना पड़ेगा, 8 से 9 बजे तक, पहले 8 से 9 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है, आपको अपना नेम लिखवाना है कि हाँ मुझे अपनी नेम ये है, रैंक ये है, आप मेरे को कंसीडर करें उसके लिए, ठीक है।
फिर आपको सीट अलॉटमेंट शुरू होगी 10 बजे। बेसिकली इसमें प्रोसीजर क्या है वो समझा देता हूँ मैं आपको अभी। सो जो सुन रहे हैं अभी तक वो ध्यान से सुन लो, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले जाओगे, अपनी अटेंडेंस जो टाइम दिया हुआ है वो उस अटेंडेंस टाइम पे आप जाके रिपोर्ट करोगे BR ऑडी। वहाँ पर अपना नाम लिखवाओगे, अपनी रैंक लिखवाओगे, अपनी सारी डिटेल्स लिखवाओगे, वो आपको कंसिडर करेंगे स्पॉट राउंड के लिए। फिर आप BR ऑडी में जाके बैठोगे। अब उसमें क्या होता है ना, वो एक स्क्रीन लगा देते हैं, उसमें सारे डब्बे डब्बे टाइप के होते हैं, सारी सीट्स होती है, जो जो वैकेंसीज है सारे वाइट वाइट डब्बे होंगे। अब जैसे जैसे एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन देयर रैंक, जिसकी ज़्यादा अच्छी रैंक है उसको पहले नाम कॉल करके बुलाया जाएगा। मान लो मोहित की अच्छी रैंक है, बाकी उसे बाकी जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सबसे अच्छी रैंक मोहित की है, सो मोहित को बुलाया जाएगा। उससे पूछा जाएगा आपको कौन सी सीट चाहिए, इनमें से आपको जो सीट चाहिए वो आप बता दोगे, और वैसे ही उसी समय स्क्रीन पर वो जो डब्बा है वो लाल हो जाएगा। बेसिकली वो सीट रिजर्व हो चुकी है मोहित के लिए, अब जो बाकी सी बाकी सीट्स है वो बाकी लोग ले सकते हैं। जो आपकी जितनी अच्छी रैंक होगी, आपके आसपास लोग जो चाहेंगे उस बेसिस पे होता है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं भैया मेरी ये रैंक है, मुझे ये प्रेडिक्ट करके बताओ कि मुझे क्या मिल सकता है। ये प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता, ये डिपेंड करता है कितनी सीट्स वैकेंट है, कौन कौन सी सीट वैकेंट है, आपको क्या चाहिए, बाकी जो आपसे अच्छे रैंक लाने वाले हैं उनको क्या चाहिए। अगर उनको वही सीट चाहिए जो आपको चाहिए तो उनको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। अगर उनको कुछ और चाहिए तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सो इट डिपेंड ट्रूली ऑन लक बेस एंड बाकी सारी जो भी मैंने अभी क्राइटेरिया बताई उस पर डिपेंड करता है। सो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप बिल्कुल जाना कोशिश करो कि मिल जाए तो अच्छी बात है, लक गेम होता है, मिल जाता है काफ़ियों को, काफ़ी ज़्यादा खराब रैंक पे भी आपको मिल जाता है। सो ट्राई ज़रूर करना। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं मिलेगा, इतनी रैंक है आपको नहीं मिलेगा, ट्राई ज़रूर करो, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है अब, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स लेके डिमांड ड्राफ्ट लेके चले जाना, ट्राई जरूर करना, अगर मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास बैकअप अब है और कुछ रखना ही है, ठीक है। तो सिंगल वर्ल्ड चाइल्ड को 29 जुलाई को जाना है, अटेंडेंस 8 से 9 के बीच में है, सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 10 AM पे। ST SC जो कि दिल्ली है और आउटसाइड दिल्ली दोनों वालों को आना है 29 जुलाई को, अटेंडेंस होगी 8 से 9 और आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो 10:30 बजे शुरू हो जाएगी। OBC कैटेगरी जो कि आउटसाइड दिल्ली वाले हैं उनको 29 जुलाई को ही आना है, अटेंडेंस 11:30 से 12:30 होगी और आपका सीट अलॉटमेंट 1 बजे शुरू होगा। EWS आउटसाइड दिल्ली वाले 29 जुलाई, अटेंडेंस 2 से 3 और आपकी सीट अलॉटमेंट 3:30 बजे शुरू होगी। जो OBC दिल्ली वाले हैं उनको 30 जुलाई को आना है, अटेंडेंस होगी 8 से 9, सीट अलॉटमेंट होगी 10 बजे। EWS दिल्ली वाले 30 जुलाई को आएंगे, 11 से 12 उनकी अटेंडेंस होगी, 12:30 बजे सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। और आपको फिर रिवाइज शेड्यूल मिल जाएगा, बेसिकली जनरल की लिस्ट मिल जाएगी 30 जुलाई रात के 8 बजे, फिर 8 बजे सॉरी, हाँ, फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी जो कि आउटसाइड दिल्ली वाले हैं उनको जाना है 31 जुलाई, अटेंडेंस होगी 8 से 9, सीट अलॉटमेंट होगा 10 बजे। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो कि दिल्ली वाले हैं जिनकी रैंक 150,000 तक है, 150,000 मिला के यानी अगर आपकी 1.5 लाख तक रैंक है, सो आपको 31 जुलाई को जाना है, 12 से 1 बजे आपकी अटेंडेंस होगी, 2 बजे आपका सीट अलॉटमेंट होगा। और अगर आपकी 1.5 से 3 लाख के बीच में रैंक है तो आपको 1 अगस्त को जाना है, 1 अगस्त को जाना है, 8 से 9 बजे आपकी अटेंडेंस होगी, 10 बजे आपका सीट अलॉटमेंट होगा। जो बाकी सारे स्टूडेंट हैं 3 लाख से ज़्यादा आपकी अगर रैंक है तो आपको दिल्ली वाले जनरल वाले 3 लाख से ज़्यादा वालों को 1 अगस्त को जाना है, अटेंडेंस होगी 12 से 1, आपकी सीट अलॉटमेंट होगी 2 बजे, ठीक है। और बाकी कैटेगरी जो कि दिल्ली आउटसाइड दिल्ली स्पेशल सॉरी BR का छोड़ देते हैं, अगर आप BR वाले हो सुन रहे हो तो आप अपना एक बारी देख लेना खुद, ये BTEC वाले जो थे वो मैंने सारे बताई दिए। फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो भी आपका आएगा वो चेक दिल्ली की वेबसाइट पर मिल जाएगी 2 अगस्त को। सो बेसिकली इसके बाद सारे आपको रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपके अपनी ऑफिशियल जो भी कॉलेज जाओगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो वो सारी चीज़ें आप कुछ जनरल गाइडलाइंस बता देता हूँ। सो बेसिकली जैक दिल्ली में यही है कि जो आपको सीट अगर मिल चुकी है तो आप राउंड 5 तक अगर कोई सीट मिल चुकी है अब आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। जो चॉइस फिलिंग आपने करी थी वो अब माननीय नहीं होगी, आपको दोबारा से जैसे मैंने अपना प्रोसीजर आपको बताया उस हिसाब से चॉइस फिलिंग होगी। आपने चाहे चॉइस फिलिंग पहले जो मर्जी कर रखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सेपरेटली होता है, स्पॉट राउंड सेपरेट होता है, ठीक है। और इनको इन्होंने स्पेशली लिखा कि आपको वाइजली चूज करना, आपको एक ही बार चूज करने का मौका मिलेगा, वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट उसी समय दिखाने, डिमांड ड्राफ्ट बार बार बोल रहा हूँ उसी समय देना है, टाइम नहीं मिलेगा, कुछ भी गलती मत करना, ये आपका लास्ट चांस है सीट लेने का जैक दिल्ली के कॉलेज में। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से संभाल के रख लेने हैं और डिमांड ड्राफ्ट अभी जाके बनवा लो, अपने आने की जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपको पता चल गया किस डे को आना, उससे एक दिन पहले आके ही होटल में रह लो, कहीं पर आसपास अपना इंतजाम कर लो रहने का, पर एक दिन पहले ही आ जाना, एट ए टाइम मत होना। अगर आपने अटेंडेंस टाइम तक भी नहीं आया ना
फिर आपको वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसलिए आपको सुबह आना जरूरी है, बार बार बोल रहा हूँ, ये लास्ट चांस है, सही से कर लेना, ठीक है। और जो आपको अगर फी आपने सीट एक्सेप्टेंस फी यानी बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट वगैरह उसी समय नहीं दिया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और ये बेसिकली जेईई मेंस की रैंक पे के बेसिस पे होता है, यानी जिसको ज़्यादा अच्छी रैंक आई है उसको पहले पूछा जाएगा, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। जैसे कि मैंने पूरा इन डिटेल समझाया ना, बस वही चीज़ है, उसी को ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और कुछ भी मॉडिफिकेशन हो सकता है शेड्यूल में, सो वो आप बार बार जगदली के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते रहना, कुछ चेंज तो नहीं हुआ शेड्यूल में, ठीक है। और अगर आपने विड्रॉल करना है आफ्टर एडमिशन तो तब कोई भी फीस आपके वो रिफंड नहीं की जाएगी, यही आप कोई विड्रॉ करने का ऑप्शन है ही नहीं बेसिकली। अगर आप आना चाहते हो तो आओ, नहीं आना चाहते तो फीस पे ही मत करना, ठीक है। अब कैंडिडेट बीइंग एडमिटेड इन स्पॉट राउंड मार्क्स फ्रीज, अब वो फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद और कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं होती स्पॉट राउंड के बाद, वो अलग होता है कि हाँ DT में आ गए आप, 6 महीने बाद कुछ अपग्रेडेशन हो सकती है तो हो जाएगी, उस बारे में सोच के मत चलो। अभी जो आपको मिल सकती है वही मिलेगी, ये मान के चलना, और आपको और कोई अपग्रेडेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। सो आपको बाकी बैलेंस भी आपको पता चल जाएगा कब आपको पे करनी है। आपके ऑफिशियल जो भी आप कॉलेज जाओगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना, उसमें बैलेंस फी का शेड्यूल आ जाएगा, तब आपको पे करना है। सो ये सारी चीज़ें थी। अब इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ मैं एक ही बोलना चाहूँगा, अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी लाख में रैंक है, 2 लाख 3 लाख कितनी भी रैंक है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपने 1500 रुपीज़ दिए हुए हैं, क्योंकि ट्राई करने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है, अगर ट्राई करने से हमें मिल रही है सीट, अच्छी कॉलेज में अच्छी सीट मिल रही है, तो हमें ट्राई बिल्कुल करना चाहिए। एक बारी चांस लेने में कुछ, एक बारी ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। सो यही था, कुछ डिसहार्टन मत हो, कोई कह रहा कि हाँ आपको इस रैंक पे नहीं मिलेगी, या फिर कोई बता रहा कि पिछले कट ऑफ के बेसिस पे आपको नहीं मिलने वाला, छोड़ दो, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, ट्राई बिल्कुल करो, हो सकता है लक अच्छा हो आपको मिल जाए, ठीक है। सो ये सारी बातें बतानी थी। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है मेरे ख्याल से, सो इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे के ओरिएंटेशन और बाकी के शेड्यूल मैं बताई दूंगा, इसलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी डाउट हो मेरे से YT कमेंट यानी YouTube कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करके भी मेरे से पूछ सकते हो, कुछ बताना हो वो बता सकते हो, ठीक है। सो वीडियो एंड करते हैं, टिल देन बी सेफ प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।